वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। माणिक चंद जीवड़ा का प्रसंग। बावली की खुदाई जब पानी तक पहुंच गई तो आगे पत्थरों की कठोरता आ गई। इस कठोरता को माणिक चंद पत्थरीय क्षत्रिय ने जब बहुत मेहनत से तोड़ दिया तो कठोरता के टूटने से नीचे से एकदम ही पानी बहुत जोर से ऊपर उठा, जिसके कारण माणिक चंद उसमें डूब गया। धन गुरु नानक। सिख उस मृत शरीर को पानी से निकालकर गुरुजी के पास ले आए। सदगुरु जी ने वचन किया कि अगर यह माणिक है तो मरेगा नहीं। फिर आप जी ने अपना दाया पैर माणिक चंद के माथे पर लगाकर कहा, उठ माणिक, सतनाम कहा। धन गुरु नानक। इस वचन से माणिक चंद इस तरह उठकर बैठ गया जिस तरह कि वह सोया हुआ उठा हो। धन गुरु नानक। उस दिन से गुरु जी ने उसका नाम जीवड़ा रख दिया। वेरोवाले में इस वर्ष के जीवड़े बावे प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। बावली स्नान का महात्म। जब बावली तैयार हो गई तो गुरु जी ने इसकी 84 पौड़ियाँ गिनकर वचन किया कि जो नर नारी इन 84 पौड़ियों पर बावली में 84 बार स्नान करके जपजी साहिब के 84 पाठ करेगा, उसकी जन्म मरण की 84 कट जाएगी। जब सिखों ने गुरुजी के यह वचन सुने तो बड़े उत्साह से बावली में स्नान करके हर एक पौड़ी पर जपजी साहिब के पाठ करके गुरुजी की खुशियाँ प्राप्त की। धन गुरु नानक। गुरुजी के इन वचनों की पालना करके सिख नर नारी आज तक बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित स्नान करके अपना जन्म मरण सफल करते हैं। धन गुरु नानक। वैसाखी का मेला करना। एक दिन भाई पारो ने प्रार्थना की कि महाराज, दूर दूर से संगत आप जी के दर्शन करने आगे पीछे होकर अलग अलग समय पर आती जाती है, जिस कारण यह सारी संगत का एक दूसरे से मेल मिलाप और जान पहचान नहीं होती। इस कारण संगत के इकट्ठे के लिए एक दिन नियत करके सबको आमंत्रण भेजने चाहिए। धन गुरु नानक। इससे संगत एक दूसरे से प्रेम भावना और सिखी संबंध भी बढ़ेगा। गुरुजी ने कहा, यह तेरा विचार ठीक है। सब संगत को पत्र लिख दो कि वैसाखी वाले दिन यहाँ आओ। उनकी आज्ञा के अनुसार हुक्मनामे लिखे गए, जिनको पढ़कर असंख्य दूर दूर से संगत गोविंदवाल आ गई। अटूट लंगर बिना जाति पाति के भ्रम के पंगतों में बैठकर संगतों को बटने लगा। उनका आपसी में मेल मिलाप करके संगत में बड़ा उत्साह और प्रेम प्यार बढ़ा। उस समय से गोविंदवाल वैसाखी का मेला लगता है जो आज तक लग रहा है। धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास साहेब जी। धन गुरु अमरदास साहेब जी।